बस्ती जिले की पुलिस रैपिड स्टॉप पर नहीं करती कार्रवाई, दलित लड़की को अगवा कर गांव के दरिंदों ने किया पूरी रात्रि दुष्कर्म। घटना के चार दिन बीत जाने के बाद भी बस्ती जिले की दुबौलिया पुलिस ने नहीं किया मुकदमा दर्ज। जी हां, मामला दुबौलिया थाना क्षेत्र के कटरिया गांव का है। हद तो तब हो गई जब दरिंदों को पकड़कर दुबौलिया पुलिस ने छोड़ दिया। यहां तक कि दुबौलिया थाना अध्यक्ष भी मामले को सुलह समझौता कराने में लगे हैं। पीड़िता का आरोप है कि दुबौलिया पुलिस पैसा लेकर सुलह कराने का दबाव बना रही है। आपको आश्चर्य होगा कि दुबौलिया पुलिस ने पीड़िता के अस्मत की गोली 10,000 से चालू करके 75,000 लगाई है। पीड़िता नवविवाहिता है और अब ससुराल वालों ने भी उसे घटना के बाद से जाने से इनकार कर दिया है। क्या उच्च अधिकारी खाकी पर लगे दाग धोकर उसे न्याय दिलवाएंगे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है किरण। क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या है कि 23 तारीख रात को 8 बजे हम घर से बाहर शौच के लिए निकले थे। जैसे घर से निकाले कदम ही रोड पर नहीं पहुंचे थे, दो लोग थे बाइक से, एक लोग हमें बैठाए, एक लोग मुंह दबाकर उसी नदी के पार लेकर गए थे। हमारे कौन 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 थे? एक अनिल चौहान था और एक त्रिपुरारी चौहान थे। कहाँ के हैं रहने वाले? बंजरिया के रहने वाले थे, उसी नदी के पार लेकर गए थे। पूरी रात हमारे साथ दुष्कर्म किए थे। हमारी शादीशुदा भी हुई है, हम शादीशुदा लड़की हैं। कब शादी हुई आपकी? हमारी शादी 9 मई को हुई थी और 10 मई को विदाई थी। 20 तारीख को हमारे घर वाले वापस ले आए थे घर पे। तो आपने थाने पे एप्लीकेशन नहीं दिया? थाने पे एप्लीकेशन दिए थे लेकिन थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अरे हम इधर से सब लड़के की ओर से हो रही है। क्या कहते हैं यशो महोदय? यशो महोदय सब लोग कहते हैं बेटा सुलह हो जा, पैसा ले लो, 20,000, 50,000, 75,000 ऐसे की बात कर रहे हैं। आपको सुलह नहीं करना है? नहीं, हमें सुलह नहीं करना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है किरण। गांव कटरिया। थाना दुबौलिया। क्या समस्या है आपको? समस्या है कि हम रात को निकले थे शौच के लिए। किस तारीख को? 23 तारीख को रात 8 बजे शौच के लिए निकले थे। हमारे घर में बाथरूम नहीं है इसीलिए हम लोग बाहर जाते हैं शौच के लिए निकले थे। एक वो अनिल चौहान और त्रिपुरारी दो लड़के थे, एक हमारा मुंह दबाए, एक बाइक चला रहा था। त्रिपुरारी और अनिल कहाँ के रहने वाले हैं? त्रिपुरारी और अनिल बंजरिया के रहने वाले हैं। और घर आपका कटरिया है? हमारा घर कटरिया है। जब हम बाहर निकले थे हमारा शादी भी हुई है। जो किस तारीख को हुआ शादी? हमारा नौ तारीख का शादी था, 10 तारीख का विदाई था। और हमारा माँ बाप 20 तारीख को हमें घर लेकर आए थे वापस। तो क्या किया उन लोगों ने? यहाँ उन लोगों ने हमारे साथ दुष्कर्म किया, फिर ले आकर हमें बंधे पे छोड़ गया। फिर हमारे माँ बाप को पता चला, हमारे माँ बाप हमें घर लेकर आए, फिर दवा सुई कराए। थाने पे दरखास्त नहीं दिया आपने? यहाँ थाने पे दरखास्त दिए थे लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एसओ साहब पैसा भी मांग रहे हैं कि 50,000 ले लो, 75,000 सुलह हो जाओ। किस चीज़ के लिए पैसा दिला रहे हैं आपको? यही सुलह होने के लिए पैसा दिला रहे हैं कि सुलह हो जाओ तुम लोग। हमारे लड़की की शादी है 30 तारीख की, शादी हो जाने दो। लेकिन हमारी भी शादी हुई थी, हमारे घर वाले ले जाने को नहीं कह रहे हैं। हमारा घर भी छूटा, हमारी इज्जत भी गई, हमारे माँ बाप भी गए। सुलह नहीं करना आपको? नहीं, हम सुलह नहीं करेंगे। क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या यह है कि 23 तारीख के रात में हमारी लड़की 8:30 बजे रात के शौचालय करे गए हैं बाहरे, हमारे शौचालय बनाना आए हैं। और तब एक घंटा तकले बैठ के हैं, एक घंटा के बाद पूरी रात खोजन है, 8 बजे तकले खोजन है। सुबह 8:30 बजे बंधक किनारे मिली है। जब बंधक किनारे मिली है तो बहुत बुरी हालत पे मिली है। जब लड़के वका आयन है तो डॉक्टर बोला कि सुई दवाई कुल कर आयन है। जब उकरे होश आया तो वो बताइन है कि बंजरिया के रहे वाला अनिल चौहान और लालमन के लड़का कपूर अरे नाम के लड़का दोनों जने नदी किनारे लेके पूरी रात दुष्कर्म किए हैं। जब इतनी बात हम सुनन है तो हम थाने गए हैं दरखास्त डालन है। जब थाने में दरखास्त डालन है तो वहाँ लड़का वाला सब हाजिर रहें, लड़का वाला हाजिर रहें हमारे दरखास्त ना माने सब सुलह करे खातिर। सुबह से 9 बजे लेक तक ले हम 8 बजे तक 7 बजे तक ले संजय थाने पर रहा ना। 7 बजे के बाद कबो कहाँ 10,000 ले ला, कबो कहाँ 50,000 ले ला, कबो कहाँ 75,000 पे शाम के टाइम तय कर ले हैं। कहें कि आज ले ला 5,000 25,000, 25,000 5 के ले लूँ, 25,000 10 के ले लूँ। इतनी बात सुनते भरे में झपसू लोनिया
अनिल के बाप झपसू लोनिया चमाइन उमाइन कह के गाली घुआ के साथ के हैं। कौन कह रहा था पैसा ले लीजिए? पैसा लेने के लिए उनके लड़का वाला भी कहें और एक जने वो चौहान कह के नाम सिपाही रहन है वो भी कहें है कि पैसा ले लो पागल ना हो जा तो हर लड़कियाँ कोनो कार्रवाई ना हुई हैं। हम इतना बात सुन के हम दरखास्त ले के हम रोते होते हम थाना चलाया है। जा भाई, क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या यह है कि 23 तारीख के रात में 8:30 बजे हमारे लड़की शौचालय गए हैं और शौचालय से गई हैं तो 1 घंटा के बाद तकले बैठ के हैं जब नाई मिले तो हेरक चालू के हैं पूरी रात हेरन है। सुबह 24 तारीख के सुबह 8:30 बजे बंधक किनारे पाए हैं। बहुत ओकर हालत बुरी रहा, घरे उठा के लेके आए हैं तो ओकर लेके गए सुई दवाई करावे। सुई दवाई करा के बाद होश या जब ओकर डांटन पूछन तो वो बताएन है कि बंजरिया के रह वाला अनिल चौहान और रज कपुरारी चौहान दोनों जने इन्हें उठा के लेके चला गए नदी के तीरे। नदी के तीरे जब ओकर साथ दुष्कर्म काम किए हैं जब हमारी लड़की इतना बात बताएन है तब हम थाने गए अप्लीकेशन डालन लड़का वालन के भी वहाँ हाजिर रहन है तो लड़का वालन से हमारे दर्द दबोट कही के कबो 30,000 के बयान आवे कबो 50,000 के बयान आवे। और जब 7 बजे है रात तो 7 बजे रात के दरोगा साहिब सब सिपाही उपाही मिल के 75,000 पे तय कराएन है कि 25,000 रुपया आज ले लो, 25,000 5 तारीख के ले लो, 25,000 10 तारीख के ले लो। तो व्यवहारिक गलत संबंध से हमरे लोग के साबित किए ना और झपसू अनिल चौहान के बाप झपसू गाली घुआ दे के चमाइन उमाइन कह के थाने जब गाली घुआ किए ना तो हम थाने पर से भाग के लेके चला आया है। तो आपको इसे बता रही हैं कि जो है थाने वाले बता रहे हैं पैसा ले लीजिए सुलह कर लीजिए, तो सुलह करना है आपको? नहीं, हमें सुलह नहीं करना है। कौन ये थाने पर जो है कौन कह रहा था पैसा ले लीजिए? थाने पे एक जने चौहान है नाम ना जाने थे सिपाही वही कहीं है दरोगो साहेब तक ले काने डाल दहीन कि जौन मिले थे मिल ला इससे आगे कुछ कार्रवाई ना हुई है। नहीं तो आपको सुलह नहीं करना है? हमें सुलह ना करना है।